ओमान क्रिकेट वर्ल्ड कप राउंड में कामयाबी का सहरा पाकिस्तानी निजात आकब इलियास पर जाता है, जिसने नेपाल क्रिकेट टीम के खिलाफ खेलते हुए कैरियर की पहली सेंचुरी मुकम्मल कर दी और 4 विकेट हासिल करके मैन ऑफ द मैच करार पाया गया। ओमान कौमी क्रिकेट टीम की तरफ से किसी भी खिलाड़ी ने अभी तक सेंचुरी मुकम्मल नहीं की, मगर जफरवाल के आकब इलियास ने सेंचुरी स्कोर मुकम्मल करके एजाज अपने नाम कर लिया। पाकिस्तान में आकब इलियास के वालदैन, दोस्त, अहबाब और अहले इलाका में खुशी की लहर पाई जा रही है। आकब इलियास के दोस्तों का कहना है, चेयरमैन लकी क्रिकेट क्लब जफरवाल, मैं आकब इलियास और उनके अहले खाना को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि उनके बेटे ने इंटरनेशनल लेवल पर जाकर 2 कंसेक्यूटिव सेंचुरीज की। अभी उन्होंने नेपाल के खिलाफ 100 किया, एक दूसरी टीम के खिलाफ स्कोर किया, इस तरह उन्होंने इलाके का नहीं, तहसील जफरवाल, जिला नारवल, बल्कि पूरे पाकिस्तान का नाम रोशन किया जी। हम उनको और उनके अहले खाना को मुबारकबाद पेश करते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान का नाम इंटरनेशनल लेवल पर सर फख्र से बुलंद किया जी, माशाल्लाह। जबकि दूसरी जानब आकब इलियास के वालिद चौधरी इलियास का कहना है कि मुझे अपने बेटे पर फख्र है, उसे बचपन से ही क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था, उसकी मेहनत की वजह से अल्लाह ताला ने उसको तरक्की और कामयाबी दी है। आकब इलियास के दोस्त जिनके साथ आकब इलियास पाकिस्तान में क्रिकेट खेलता रहा वो भी बहुत खुश है और आकब इलियास की मजीद कामयाबी के लिए दुआगो है। कैमरामैन टीम के साथ राना अली रजा, रोज न्यूज, जफरवाल।